सबने चल आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ गया समझ में तो भी अच्छी बात है। अब इसको थोड़े समय के लिए भूल जाओ, छोड़ दो उसे। अब यहां आ जाओ, देखो हमने एक सेंटेंस लिखा, माय फ्रेंड इज अ टीचर, ठीक है। माय फ्रेंड्स आर टीचर्स, तीसरा मैं लिखा माय अ फ्रेंड इज अ टीचर। अभी जो हमने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, अब जरा एक बार इनको देखिए। जैसे हमने लिखा माय फ्रेंड इज अ टीचर, माय फ्रेंड्स आर टीचर्स, माय अ फ्रेंड इज अ टीचर, ये हमें पढ़ने समझने। अब जो पहला सेंटेंस है माय फ्रेंड इज अ टीचर, मान लो कोई पर्सन एक ऐसा है जिसका एक मित्र है और वो टीचर है, तो वो ऐसे कह देगा माय फ्रेंड इज अ टीचर। तो माय फ्रेंड इज अ टीचर का मतलब क्या हो गया कि आई हैव वन फ्रेंड एंड दैट फ्रेंड इज अ टीचर, ठीक है। दूसरा हमने लिखा माय फ्रेंड्स आर टीचर्स, सपोज वन हैज गॉट मोर देन वन फ्रेंड, कोई पर्सन ऐसा है जिसके एक से ज्यादा फ्रेंड्स हैं, तो अगर एक से ज्यादा फ्रेंड्स हैं तो वो माय फ्रेंड्स कहेगा, और अगर सारे टीचर्स हैं तो वो कह देगा आर टीचर्स। तो अगर कोई एक पर्सन है जिसका एक ही फ्रेंड है और वो टीचर है तो वो ये स्टेटमेंट यूज करेगा माय फ्रेंड इज अ टीचर। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके एक से ज्यादा फ्रेंड्स हैं और सभी टीचर्स हैं तो वो ये स्टेटमेंट यूज करेगा माय फ्रेंड्स आर टीचर्स। अब कोई पर्सन ऐसा है जिसके फ्रेंड्स तो कई ज्यादा हैं लेकिन टीचर को एक है, फिर से समझ में आ रही बात जो मैं कह रहा हूँ कि एक पर्सन है उसका एक ही फ्रेंड है और वो टीचर है तो माय फ्रेंड इज अ टीचर। एक पर्सन है जिसके फ्रेंड एक से ज्यादा हैं और सब टीचर्स हैं तो माय फ्रेंड्स आर टीचर्स। अब एक पर्सन है जिसके फ्रेंड्स एक से ज्यादा हैं लेकिन टीचर उनमें से कोई एक ही है, मतलब फ्रेंड्स कई हैं टीचर कई नहीं है, टीचर उनमें से एक ही है कोई, तो वो कह देगा माय अ फ्रेंड इज टीचर, मेरा एक दोस्त टीचर है। लेकिन ये अनग्रामेटिकल है, माय अ फ्रेंड इज टीचर ना वो अनग्रामेटिकल है, क्यों? क्योंकि जो माय पजेसिव केस का डिटरमिनर है और ये आर्टिकल है वो एक साथ यूज नहीं होते। लॉजिक सीधा सा ये है कि जब हम लिख देते हैं माय किसी नाउन के साथ में, या माय ना भी लिखें, योर लिख दें, हिज लिख दें, देयर लिख दें, तो वो नाउन डेफिनेट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं माय कार, तो फिर कार डेफिनेट हो गई। ए एन आर्टिकल उन नाउन्स के साथ लिखे जाते हैं जो इंडेफिनिट हो, तो जो नाउन डेफिनेट हो चुका वो इंडेफिनिट हो नहीं सकता और जो इंडेफिनिट है वो डेफिनेट हो नहीं सकता। तो माई के साथ में ए जो हमने लिखा है अनग्रामेटिकल है, तो ये गलत है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो दोनों सही हैं, ये गलत है। चलो सेंटेंस तो गलत हो गया, समझ में आता है, लेकिन सिचुएशन तो लॉजिकल थी, सिचुएशन तो ऐसी हो सकती है ना। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन का एक फ्रेंड है तो वो डॉक्टर टीचर होगा, एक से ज्यादा है तो वो सारे टीचर होंगे, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड बहुत से हो टीचर उनमें से कोई हो, तो हम इस बात को कैसे कहें? तो इसको कहने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम इसको कहें ऐसे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ टीचर, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ टीचर। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर, ठीक है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं उनमें से एक कोई टीचर है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिखेंगे, ये समझ लो। अब जब आपको ये समझ में आ जाए वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट कि आपको बहुतों में से एक को रेफर करना है, तो हम उसको वन ऑफ माई फ्रेंड्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो हमने लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो यहां पर आप देखोगे ये जो वन है ये सब्जेक्ट है और ये पार्ट है ऑफ प्रपोजिशन है। माय फ्रेंड्स जो है वो टोटल है, माय फ्रेंड्स का मतलब है मेरे सारे फ्रेंड्स, ये वन भी इन्हीं में से है, ठीक है, और वन जो है वो उनमें से एक पार्ट है। और तो हम कह रहे हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ टीचर, तो टीचर सारे नहीं है, टीचर एक ही है, ठीक है, और वो टीचर मेरे फ्रेंड्स में से। तो उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो वन है ये वन किसे रेफर कर रहा है, उस फ्रेंड को जो टीचर है, तो वो फ्रेंड वन ऑफ मैनी है, इन्हीं में से कोई एक है। तो हम उसको जब लिखेंगे तो उसके साथ एन आर्टिकल लिखेंगे, अब फ्रेंड ऑफ, अब आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो माय फ्रेंड्स, अब फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स,
ठीक है, लेकिन वो इलॉजिकल होगा क्योंकि फ्रेंड नाउन आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो, तो दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधे लिख दो अ फ्रेंड ऑफ माइन। अभी जो हमने माइन लिखा ना, माई फ्रेंड्स की जगह पे लिखा, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ टीचर। ठीक, तो हम इसे लिखेंगे अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ टीचर। अब ये हमें समझना था, मतलब मैं यहां पर आपको लाना चाहता था कि ये बात हमें समझ में आ जाए कि अब फ्रेंड ऑफ माइंड क्या है। तो हमें लगता है कि अब हम ऐसे सिचुएशन में आ गए कि अब समझ सकते हैं फ्रेंड ऑफ माइंड क्या है। अब फ्रेंड ऑफ माइंड का मतलब है मेरे फ्रेंड्स में से कोई एक, माइंड का मतलब है माय टोटल फ्रेंड्स, अब फ्रेंड का मतलब उनमें से कोई, तो अब फ्रेंड ऑफ माइंड का मतलब हो गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक, तो जब आप कईयों में से एक को रेफर करते हो तो या तो आप लिखते हो वन ऑफ, ठीक है, या तो लिखो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, या आप लिख सकते हो अ फ्रेंड ऑफ माइंड। या भी ये बात एक ही होती है, जब हम अ फ्रेंड ऑफ माइंड लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बस ये मैं आपको चाहता हूं आप समझ लो। अ फ्रेंड ऑफ माइंड का मतलब होता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ये जो अ फ्रेंड है ये एक पार्ट है, वन ऑफ मैनी है, ठीक है। अच्छा, ये है वन और ये मैनी किस में से है, मेरे सारे फ्रेंड्स में से, तो मुझे खुद को नहीं रेफर करना, अपने सारे फ्रेंड्स को रेफर करना, इसलिए मैंने पजेसिव प्रोनाउन लिख दिया माइन। अब फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स होता है, हमें सीखना है। जब हम बहुतों में से किसी एक को रेफर करते हैं तो जिस एक को हम रेफर करते हैं या जिस पार्ट को हम रेफर करते हैं वो पार्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो जब हम बहुतों में से किसी एक को रेफर करते हैं तो वो जो एक होता है वो पार्ट होता है, उसको हम ऑफ से पहले लिखते हैं, और जो आपके बाद लिखते हैं वो टोटल होता है जिसका वो पार्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हम पजेसिव केस के प्रोनाउंस यूज करते हैं। अब ये ऊपर लिखा गया एग्जांपल पढ़ो, द मैन मेट अ फ्रेंड ऑफ सरल। तो अगर हमने ऐसे लिखा द मैन मेट अ फ्रेंड ऑफ सरल, तो इसका मतलब सरल के बहुत से फ्रेंड होंगे, एक ही फ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ही फ्रेंड होता तब तो ए आर्टिकल लिखना ही नहीं पड़ता, तब तो हम लिख देते द फ्रेंड ऑफ सरल। भाई देखो ऐसे समझना एक चीज, ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं ना, ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, माय फ्रेंड इसको आप लिख सकते हो द फ्रेंड ऑफ मी, इज अ टीचर। ये जो आपने माय फ्रेंड्स लिखा है इसको आप लिख सकते हो द फ्रेंड्स ऑफ मी आर टीचर्स, सीधे ऐसे लिख दो। तो हमें यहां पर ये ध्यान देना है कि जब हम डेफिनेट की स्पेसिफिक की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं, तो वहां पे ए एन आर्टिकल आते नहीं, वहां पर तो हम द आर्टिकल लिखते हैं। अगर हम ए एन आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई ऐसा वर्ड लिख रहे हैं जो पार्ट को रेफर करता है किसी टोटल के, तो ऑफ के बाद फिर हमें टोटल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम फ्रेंड ऑफ सरल लिख रहे हैं तो इसका मतलब सरल का एक ही फ्रेंड नहीं होगा, सरल के फ्रेंड एक से ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर सरल का एक ही फ्रेंड होता तो फिर हम द फ्रेंड लिख देते, क्योंकि वो डेफिनेट हो जाता। ए एन आर्टिकल हम कब लिखते हैं, जब हम रेफर करते हैं वन ऑफ मैनी को, तो इसका मतलब है सरल के फ्रेंड्स कई होंगे लेकिन हम उनमें से किसी एक से ही मिले, तो हम जिससे मिले वो क्या है, पार्ट है। किस टोटल का वो पार्ट है, सरल के सारे फ्रेंड्स का, तो सरल के सारे फ्रेंड्स जो है वो टोटल हैं और जिस एक से हम मिले वो उसका पार्ट है। तो हमें ऑफ के बाद में सरल को नहीं रेफर करना, सरल के सारे फ्रेंड्स को रेफर करना है। तो आप लिखो द मैन मेट अ फ्रेंड ऑफ सरल्स फ्रेंड्स, या तो ऐसे लिखो सरल्स फ्रेंड्स, तो सरल्स फ्रेंड्स का मतलब जाएगा सरल के सारे फ्रेंड्स, और अगर वैसे नहीं लिखना चाहते हो तो सीधे पजेसिव केस लिख दो। तो लिख दो द मैन मेट अ फ्रेंड ऑफ सरल्स। तो जब हमें कभी किसी पार्ट को उसके टोटल से रिलेट करना होता है तो वहां पर हमें एन आर्टिकल का यूज करना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ऑफ के बाद में हमें टोटल लिखना चाहिए जिसका वो पार्ट है। अब इसी में बेस्ट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और करवाता हूँ जिससे ये चीजें आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। देखो वॉज नॉट करेक्ट, अब आप इन एग्जांपल्स के अगर पढ़िए सभी लोग और पढ़कर समझिए, देखो क्या समझ में आता है। केवल पढ़कर समझना है, आंसर नहीं करना है, अभी आंसर की जल्दबाजी नहीं है, ऐसा नहीं करना कि हमें आंसर ही बताना है, आंसर बता पाओ नहीं बता पाओ वो छोड़ो, कम से कम ये जो लिखा है पढ़कर हम उसको समझ लें कि लिखा क्या है, बस इतनी कोशिश करो। सभी लोग सबने पढ़े आ जाओ, दे ब्लेम्ड अ सन ऑफ दैट मैन, उन्होंने उस आदमी के एक बेटे को आरोप लगाया, तो इसका मतलब सन एक है जो पार्ट है जिसको उन्होंने ब्लेम किया, लेकिन टोटल बेटे कई होंगे। अ सन ऑफ दैट मैन का मतलब उस व्यक्ति के एक बेटे को, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के बेटे कई होंगे, उन्होंने ब्लेम कोई किया, ठीक है। द
द फोर्थ मूवी ऑफ अक्षय कुमार, द फोर्थ मूवी एक स्पेसिफिक मूवी हो गई, पार्ट है। अगर हम द फोर्थ मूवी लिख रहे हैं तो इसका मतलब कम से कम उस पर्सन ने, ठीक है, चार मूवीज तो की ही होंगी, ठीक है, कम से कम चार मूवीज होंगी, तभी तो फोर्थ पे पहुंचा। चलो, तो द फोर्थ मूवी जो हमने लिखा ना वो पार्ट है, किसका पार्ट है, अक्षय कुमार की सारी मूवीज का। अगला देखो, दिस शर्ट ऑफ यू, ये शर्ट तुम्हारी, तो मतलब उस किसी के पास बहुत सी शर्ट्स होंगी, उनमें से एक की हम बात कर रहे हैं कि सारी शर्ट्स नहीं लेकिन तुम्हारी ये वाली शर्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक शर्ट है जो कि पार्ट है किसका, यू की सारी शर्ट्स का, ठीक है। फिर हमने कहा वी कुड नॉट अंडरस्टैंड सम वर्ड्स, हम कुछ शब्द नहीं समझ पाए, तो सम का मतलब क्या हो गया, पार्ट। अब इस पार्ट का टोटल क्या है जिसमें से हम कुछ को नहीं समझ पाए, ठीक है, वो हमें ऑफ के बाद लिखना है। फिर हमने कहा द लास्ट आंसर ऑफ मी, द लास्ट आंसर का मतलब आखिरी वाला आंसर, तो इसका मतलब आंसर और भी रहे होंगे लेकिन मैं आखिरी की बात कर रहा हूं, तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो टोटल नहीं है, वो पार्ट है, तो उसका जो टोटल है वो ऑफ के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, सम वर्ड्स पार्ट है, ऑफ द स्पीकर ये टोटल है, द लास्ट आंसर पार्ट है, ऑफ मी टोटल है। चलो अब आंसर बताओ सभी लोग, अब जब आपको ये बात समझ में आ गई हो कि यहां पर हमें पार्ट को उसके टोटल से रिलेट करना है, तो देखो उन्होंने एक बेटे को किया ब्लेम, तो एक बेटा पार्ट है, तो टोटल कौन होगा, उसके सारे बेटे, तो हमें मैन को नहीं रेफर करना, हमें मैन के सारे बेटों को रेफर करना जिनमें से एक की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिखो दैट मैंस सन्स, या तो लिखो दैट मैंस सन्स और नहीं तो केवल पजेसिव केस लिख दो, तो भी अंडरस्टूड जाएगा कि हम मैन के नहीं, मैन के बेटों की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए समझते हैं, बीच में गड़बड़ हो गई, तो हमने लिखा द ब्लेम्ड सन ऑफ दैट मैंस, तो इसका मतलब हो गया कि उस मैन के जो बेटे हैं उनमें से एक को ब्लेम किया, तो कहने का मतलब बेटे बहुत होंगे तो उसको हमें लिखना चाहिए अ सन ऑफ दैट मैंस, अ सन ऑफ दैट मैंस का मतलब हो गया वन ऑफ दैट मैंस सन्स, उस मैन के बेटों में से एक, ठीक है। फिर हमने लिखा द फोर्थ मूवी ऑफ अक्षय कुमार, तो इसका मतलब हो गया जो अक्षय कुमार की मूवीज हैं उनमें से चौथी वाली है, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक मूवी है, और उस स्पेसिफिक का टोटल क्या है, उसका टोटल है अक्षय कुमार की सारी मूवीज, तो हम लिख देंगे द फोर्थ मूवी ऑफ अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार का मतलब हो गया अक्षय कुमार की मूवीज, ठीक है। द फोर्थ मूवी ऑफ अक्षय कुमार का मतलब हो गया द फोर्थ ऑफ अक्षय कुमार मूवीज, ठीक। फिर आ गया दिस शर्ट ऑफ यू, तो दिस शर्ट ऑफ यू का मतलब हो गया तुम्हारी शर्टों में से ये वाली शर्ट, तो हम लिख देंगे दिस शर्ट ऑफ योर्स, योर्स का मतलब यू की सारी शर्ट्स, और दिस शर्ट उनमें से हो गई एक स्पेसिफिक शर्ट, तो दिस शर्ट ऑफ योर्स का मतलब हो गया दिस ऑफ योर शर्ट्स, तुम्हारी शर्ट्स में से ये वाली। फिर हमने लिखा वी कुडंट अंडरस्टैंड सम वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स, तो इसका मतलब है स्पीकर ने जितने भी वर्ड्स कहे हैं उनमें से कुछ समझ में नहीं आए, तो सम का मतलब पार्ट होता है, तो ये जो हमने सम वर्ड्स लिखा ये पार्ट है। अब ये पार्ट किस टोटल का है, स्पीकर के सारे वर्ड्स के टोटल का है, तो ऑफ के बाद हमें स्पीकर को नहीं रेफर करना है, स्पीकर के सारे वर्ड्स को रेफर करना है जिनमें से हम कुछ की बात कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे सम वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स, सम वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स का मतलब हो गया सम ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स। फिर हमने लिखा द लास्ट आंसर ऑफ मी, तो द लास्ट आंसर क्या हो गया, पार्ट हो गया, मान लो कोई पर्सन ने उसने बहुत से आंसर दिए और उनमें से आखिरी वाले की बात हो रही है, तो जिस लास्ट की बात हो रही है वो टोटल नहीं है, वो टोटल का पार्ट है, तो ये टोटल का पार्ट है और इसके बाद टोटल आ जाएगा। अब टोटल कौन होगा, अगर पार्ट क्वेश्चन है तो टोटल भी क्वेश्चन ही होगा, तो हम लिख देंगे द लास्ट आंसर ऑफ माइन, माइन का मतलब है माई आंसर्स, तो माइन का मतलब मेरे आंसर्स जो कि टोटल है, द लास्ट का मतलब उनमें से एक, तो द लास्ट आंसर ऑफ माइन का मतलब हो गया द लास्ट ऑफ माई आंसर्स। तो जब हमें कभी किसी पार्ट को उसके टोटल से रिलेट करना हो तो ऑफ के बाद में टोटल लिखना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। अब ये बताओ ये क्लियर हो गया यहां तक जो हमने डिस्कशन किया था, ये सब ये जो दो स्लाइड्स पे हमने लिखा है इतनी देर में,
ये समझ में आ गया तो जल्दी से यस नो कमेंट करो, फिर हम लोग आगे बढ़े। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बता देंगे ये जो अभी तक समझाया गया है आपको, ये सब क्लियर है तो आगे बढ़ें।